Hey guys, good evening and welcome back to our channel. Hope you all are doing well. और आज सैटरडे है, वीकेंड का मूड में है हम लोग. और सैटरडे शाम को आर्य शेखर जी थोड़ा जल्दी आ गए थे. यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ उनके लिए और मेरे लिए, क्योंकि एक्चुअली आज तो दादा भी घर पे नहीं है और मम्मी भी नहीं है, तो बस दोनों के लिए चाय बनेगा और मयंक के लिए मैं मिल्क प्रिपेयर कर दूंगी. और इस बार ना मैं ये वाली चायपत्ती लेके आई हूँ. ये वाला जो चायपत्ती है ना, ये इसका फ्लेवर शेखर जी को बहुत पसंद है, मुझे पसंद आया नहीं था तो मैंने मतलब इसको डिस्कार्ड कर दिया था. तो शेखर जी फिर से लेके आए, बोले कि इसको एक बार फिर ट्राई करो, अगर तुमको अच्छा लगे तो ये वाला मतलब जो एक महीने का बड़ा पैक आता है ना वो मंगा लेंगे हम लोग. तो चलिए, और ये जगह आप लोग मतलब ये प्लेस आप लोग देखने के लिए बहुत हमको कमेंट आ रहे थे मुझे, तो ये वाला प्लेस देख लीजिए, ये ऐसे मैं सजा के रखती हूँ. फिलहाल मेरा यहाँ पे चाय रेडी हो चुका है और मैं के लिए भी मैं मिल्क प्रिपेयर कर मतलब कर चुकी हूँ. तो चलिए पहले मैं चाय इंजॉय करके आती हूँ और उसके बाद बढ़िया सा एक डिनर थाली रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर. अभी अभी शाम को हम लोगों का चाय वाय तो हो चुका है, तो थोड़ा सा निकलने का प्लान हो गया क्योंकि आज मयंक का छुट्टी है, मतलब कल स्कूल छुट्टी है, कल संडे है तो यहाँ मयंक भी है. तो हम लोगों का अभी अभी निकलने का थोड़ा सा प्लान हुआ, देखते हैं कहाँ जाएंगे और जहाँ भी जाएंगे आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे. फिलहाल मैं मयंक से आप लोगों को मिला देती हूँ. सी से हेलो, बोलो गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. कहाँ जा रहे हैं हम लोग? धर्मतल्ला. चलिए हम लोग निकले घर से जाए और आप लोगों के साथ शेयर करें. घर आ गई हूँ. एक्चुअली हम लोग घर आ चुके हैं और सबके लिए ना मैं डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ. डिनर में मैगी बना दे रही हूँ. क्यों बना रही हूँ? आज हम लोगों के साथ बहुत बड़ा एक डिजास्टर हो गया. क्या हुआ, मैं थोड़ा देरी में आप लोगों से मिलती हूँ और बोलती हूँ. पहले मैं मयंक को खिला दूँ कुछ और हम लोग भी कुछ खा लें और उसके बाद मैं आती हूँ किचन में और आप लोगों से मैं मिलती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि आगे क्या एक्चुअली हुआ. कि जो हम लोग घर पहुँच गए, मतलब और रास्ते में नहीं थे, कहीं गए नहीं. Hey guys, अभी अभी एक्चुअली हम लोग घर आए हैं और घर आने के बाद मैं डायरेक्टली, अभी आप लोग देख ही होंगे कि मैगी बना रही थी. हम लोग निकले थे शाम को, वही अपडेट के लिए मैं सोची कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा बात कर लिया जाए. भयंकर तूफान, मतलब शाम को हम लोग निकले थे कि चलो आज छुट्टी है मयंक का तो थोड़ा देरी हम लोग बाहर घूम आएंगे, बच्चे का भी मन खुश हो जाएगा. आधे रास्ते से लिटरली हम लोग वापस आना पड़ा. हम लोग जा रहे थे धर्मतल्ला के तरफ, मतलब स्प्लैनेट के तरफ जाने के पहले तो मयंक बोला ही है आप लोगों को. तो हम लोग एक्चुअली गए थे स्प्लैनेट के तरफ, आधे रास्ते पे हम लोगों को वापस आना पड़ा क्योंकि एक जगह हम लोग रुक भी गए थे. इतना भयंकर बारिश और तूफान, अभी भी शायद आप लोगों को आवाज आ रही होगी मेरे पीछे कि बारिश हो रही है. और पूरा हम लोग भीग के घर आए, बच्चा था तो जल्दी जल्दी में हम लोग मतलब थोड़ी थोड़ी बहुत बारिश रुका तो हम लोग चले सोचे कि चलो अब घर निकलते हैं. तो घर आते आते फिर से वापस रास्ते में बारिश स्टार्ट हो गया. तो इस तरह से हम लोग घर पहुंच गए और किसी भी तरह मैं शावर लेके फ्रेश होके मयंक को मतलब आप देखिए कि अभी हम लोग मैगी बना रहे थे, अब कुछ बनाने का हिम्मत नहीं है मुझ में. मैगी लेके आए थे, वही
बना दिए तो हम लोगों का डिनर हो गया। शेखर जी बोले कि थोड़ा सा चाय या कॉफी कुछ बना दो क्योंकि बहुत ठंड हो रही है, तो इसलिए मतलब होता है ना कि आप अगर बारिश में भीग जाओ या फिर उसके बाद आपके साथ बच्चा भी है तो कुछ गर्म कुछ खिला पिला देने से थोड़ा ठीक रहता है। तो मैं के लिए मैं दूध गर्म कर दूंगी थोड़ी बहुत, और हम लोगों के लिए थोड़ा सा कॉफी बना लूंगी। तो फिलहाल इतना ही अपडेट था और हम लोग घर आ गए और हम लोग निकले थे थोड़ा सा एंजॉय होता घूम लेते, लेकिन वो हम लोग आज हुआ नहीं। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। कल रात के बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। एक्चुअली कल जो फंसे थे हम लोग यार, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं। बीच सड़क में एक्चुअली फोरकस था कि मंडे और ट्यूसडे बारिश होने वाली है, लेकिन वो बारिश स्टार्ट हो गया अभी, मतलब कल रात को। इतना तूफान, लेकिन आज सुबह से आप देखो देखो बाहर इतनी ज्यादा गर्मी हो रखी है। कल जो तूफान आया था, इतना बारिश हुआ था, पता ही नहीं चला हम लोगों को स्पेशली। तो मतलब हम लोगों को नहीं, सबको, किसी को पता नहीं चल रहा कि कल रात को इतना बारिश हुई थी। तो कल रात को क्या हुआ कि हम लोग वापस आ गए और मैं इतना डरा हुआ था कल, क्योंकि उतना तेज तूफान और बारिश में हम लोग रोड पे फंसे हुए थे। तो एनीवेज कल जैसे तैसे घर पहुंचे, रात को मैगी बनाए और उसके बाद कॉफी पिए, तो हम लोग सो गए। और आज सुबह में ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों का अभी हो चुका है और अभी 9:30 बज रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी से मैं लंच का तैयारी स्टार्ट करूं, क्योंकि और आप लोगों के साथ भी तो शेयर करना है। और आज मैं फर्स्ट टाइम ब्लॉग में, फर्स्ट ब्लॉग है ये मेरा एक्चुअली, जिसमें मैं थाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और मतलब समर स्पेशल, समर फ्रेंडली, ज्यादा तामझाम नहीं। आप डेली बेसिस में ये थाली बना के खा सकते हो, तो वैसा मैं एक थाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अभी से बनाना स्टार्ट करूंगी, तब जाके लंच टाइम में खत्म होगा। तो चलिए मैं बनाती हूँ फटाफट और रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो स्टे ट्यून। तो मैं आ गई हूँ जी किचन में और मैं थाली का प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैंने ऑयल ले लिया, मस्टर्ड ऑयल ले लिया एक पैन में, और उसमें डाल रही हूँ पंचफोरन और उसके साथ लंबे लंबे कटे हुए आलू। एक्चुअली मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया, जो हम लोगों का नॉर्थ इंडियन, मतलब जो लोग यूपी में रहते हैं वो लोग जानते हैं, दाल चावल के साथ आलू का भुजिया बहुत ही फेमस है। तो वो वाला आलू का भुजिया मैं बना रही हूँ। इस तरह से हाई फ्लेम में आलू को पहले मैंने भून लिया बिना नमक का। अब मैं डाल रही हूँ उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हरी मिर्च, और उसको एक मिक्स दे देंगे। और मिक्स देने के बाद फ्लेम को लो करके ढक के इसको पकने दे देंगे। जब तक आलू मेरा पक रहा है, तब तक मैं यहाँ पे चावल चढ़ा दे रही हूँ। और हम लोग गाइस पानी उतारा हुआ चावल खाते हैं, इसलिए मैं चावल यहाँ पे चढ़ा दे रही हूँ इंडक्शन में, ताकि एक गैस मुझे फ्री मिल जाए ओवन एक्चुअली। तो मैंने यहाँ पे पिंक वाली जो मसूर का दाल होता है ना, तो वो दाल मैंने चढ़ा दिया है, दाल तड़का बनाऊंगी बोल के। इसमें हल्दी और नमक डाल के मैं दाल को चढ़ा दिया है। तो एक तरफ आलू का भुजिया बन रहा है, एक तरफ दाल और चावल बन रहा है। तो और यहाँ पे मैंने करेला कट कर ले रही हूँ, क्योंकि करेला का बहुत अच्छा एक सब्जी मैं बनाने वाली हूँ, भुजिया नहीं एक्चुअली। ये सब्जी जो लोग यूपी का गांव में हैं वो लोग तो जानते ही हैं, उन लोग का घर में बनते ही रहता है। तो लेकिन मेरे घर में भी ये बनते रहता है, फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। करेला को इस तरह से छोटे छोटे मैं कट लगा लूँगी, और जैसे सब्जी में आलू नहीं कट करते हैं हम लोग छोटे छोटे, उस तरह से करेला को भी आप कट कर लीजिए। तो सारे करेला मैंने कट कर लिया है, इसको मैरिनेशन कुछ नहीं करना है। आलू को भी इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी,
मीनवाइल देख लेती हूँ, मेरा आलू का भुजिया ऑलमोस्ट मतलब रेडी हो गया है। मीन्स आलू थोड़ा सा बॉयल्ड हो गया है, अब गल गया है। मैं दिखा दे रही हूँ, ये देखिए बहुत गर्म है यार। तो चलिए, आलू यहाँ पे थोड़ा सा भुन गया है। अब मैं इसमें डालूँगी एक छोटे साइज़ का मतलब प्याज, और एक बड़े मीडियम साइज़ का, बड़े बड़े साइज़ का प्याज मतलब बड़े बड़े कट करके डाल दिया, और एक रफली छोटा छोटा चॉप करके मैंने डाल दिया। तो दो प्याज टोटल डाल दिए मैंने इसमें। अब प्याज को पकाना है, मतलब एक दूसरे से खुल जाए। तो लो फ्लेम में इसको 10-1 मिनट पका लिया। तो देखिए प्याज ऑलमोस्ट खुल गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ आटा, मतलब गेहूं का आटा। जितना सारा ऑयल है वो सारे सोख कर लेगा ये आटा। तो एक सूखा सूखा जो भुजिया होता है ना आलू वाला, वो बनके रेडी हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे मेरा आलू का भुजिया रेडी हो गया, ये डन हो गया, एकदम सूखे आलू का भुजिया। तो एक रेसिपी मेरा हो गया। तो चलिए चलते अगले रेसिपी की तरफ। अब मैं यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ, और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पे करीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैं डाली हूँ। उसमें डाल रही हूँ पंचफोरन, और पंचफोरन के साथ ही मैं डाल दे रही हूँ करेला जो मैं कट करके रखी थी। उसको थोड़ा सा हमको भूनना है ऑयल में, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है जी, थोड़ा सा भून लेंगे, ढक्कन लगा के 10-1 मिनट तक भून लेंगे। तो करेला थोड़ा बहुत भून गया, क्योंकि करेला भूनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अब इसमें डायरेक्टली ऐड कर दूंगी आलू जो मैं छोटे छोटे कट करके रखी थी। तो चलिए, उसके साथ डाल दूंगी हल्दी। तो हल्दी एक बड़ा चम्मच हल्दी, और उसके साथ ही नमक मैं डाल दूंगी। और डालने के बाद बस और कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा एक मिक्स दे देना है, और लो फ्लेम में 15-20 मिनट तक इसको आपको ढक के पका लेना है। तो बस 20 मिनट के बाद इसमें डालना है थोड़ा सा प्याज। एक बड़ा साइज का प्याज मैंने छोटा छोटा टुकड़ों में कट कर लिया, उसको मतलब सेम जैसे करेला और आलू काटी थी वैसे ही प्याज को भी काट के मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको अब फिर से मैं ढक दूंगी और पकाऊंगी जब तक आलू और करेला थोड़ा बहुत सॉफ्ट ना हो जाए। तो देखिए ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया और नीचे से चिपकने भी लगा है। तो ये देखिए, इसे डरने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत नीचे चिपक जाता है, और इसका चिपकने से जो टेस्ट आता है ना भूनने वाला, वो आ जाता है। और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी पानी का छिट्टा, क्योंकि ये सब्जी बन रहा है भुजिया नहीं, तो इसलिए मैं पानी का छिट्टा थोड़ा डाल दूंगी। और डालने के बाद इसको बहुत अच्छा से एक मिक्स दे दूंगी, और मिक्स देने के बाद इसको अब ढक के जब तक आलू और करेला सॉफ्ट ना हो जाए तब तक पकाऊंगी। यहाँ पे मेरा दाल भी बॉयल हो चुका है, अब इसको छौंक लगा देती हूँ दाल को। एक तड़का पैन में मैंने ले लिया सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल, उसके साथ 2 साबुत लाल मिर्च, सूखे हुए लाल मिर्च, उसके साथ 2 हरी मिर्च, और उसके साथ थोड़ा जीरा, और जीरा के साथ डाल दूंगी 1 छोटे कटे हुए प्याज, मतलब छोटा प्याज कटा हुआ। अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से भून लूंगी जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जाए, प्याज और मिर्च अच्छे से भून ना जाए, मतलब लाल मिर्च और हरी मिर्च अच्छे से भून ना जाए। तो चलिए, ये तड़का मेरा रेडी हो चुका है। ये देखिए प्याज भी कलर चेंज हो गया है। अब दाल में मैं तड़का लगा करने का तैयारी कर रही हूँ, तो ये दाल में तड़का मैं लगा दूंगी, और इसके साथ भी इसको अच्छे से मिक्सड कर दूंगी। एकदम परफेक्टली यूपी स्टाइल दाल भुजिया चावल बनके मेरा रेडी हो गया है, मतलब चावल हो रहा है। तो चलिए, ये दूसरी रेसिपी भी मेरा हो गया है। तब तक मैं देख लेती हूँ मेरा करेला आलू का जो सब्जी है वो तैयार हुआ कि नहीं। देखिए, आलू ऑलरेडी सॉफ्ट हो गया है, करेला भी सॉफ्ट हो चुका है, तो ये सब्जी बनके रेडी हो गया। आप चाहे तो इसमें नींबू का रस या फिर आमचूर पाउडर या फिर कच्ची कैरी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा घर में पसंद नहीं करता है, ऐसे ही खाता है, तो मेरा ये भी डन हो गया। अब चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ। मैं बना रही हूँ चिकन करी, एकदम सिंपल सा, उसमें कोई तामझाम नहीं, गर्मियों के लिए मतलब समर स्पेशल चिकन करी। पहले मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, उसमें पोटैटो बड़े बड़े कट करके डाल दिया है, उसको थोड़ा सा भून लेंगे। पोटैटो का
ऊपर में रेड रेड ऐसे रेस्टिंग मतलब रेड रेड हो जाए पोटैटो थोड़ा सा अच्छे से, तो उतना ही भूनना है, पोटैटो को अभी सॉफ्ट नहीं करना है। तो भून लिया मैंने, तो इसको मैं निकालूंगी एक दूसरा बाउल में और फिर सेम कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल और उसमें डाल रही हूँ साबुत लाल मिर्च और गरम मसाला। गरम मसाला का ये जो पैकेट है ये अवेलेबल है इजीली मार्केट में, तो बस वो ले लिया डाल दिया। और उसमें डाल रही हूँ 3 मीडियम साइज का प्याज कट करके रफली चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया। प्याज का कलर चेंज हो जाए बस उसमें आपको डालना है रफली चॉप किया हुआ 2 टमाटर। बस टमाटर को थोड़ा एक स्टार दे देंगे और उसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि नमक डालने से पहले डालने से क्या होता है ना टमाटर थोड़ा जल्दी पक जाते हैं मतलब गल जाते हैं। तो बस इसको अब लो फ्लेम में ढक के थोड़ा देरी तक हम पका लेंगे 5-1 मिनट। उसमें टमाटर मेरा देखिए 5 मिनट बाद मैं दिखा रही हूँ, टमाटर मेरा अच्छे से गल चुका है और प्याज भी भून चुका है। अब इसमें डाल दूंगी 1 कटा हुआ शिमला मिर्च और शिमला मिर्च डालने के बाद इसमें डाल दूंगी मेरा 3G पेस्ट जो है वो डालूंगी, मतलब जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का जो पेस्ट है वो मैं डाल दूंगी इसमें। और मतलब ये कूटा हुआ है, इसको डालने के बाद इसको अच्छे से भूनना है ताकि इसका रॉ स्मेल निकल जाए। उसके बाद मैं डालूंगी हल्दी, हल्दी 2 बड़ा चम्मच डालिएगा, मेरा चम्मच छोटा था तो, और उसके साथ 1.5 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और बस और कुछ नहीं। इसके साथ थोड़ा डायरेक्टली पानी ऐड कर दीजिए और पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से एक मिक्स दे दीजिए और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाता है। लास्ट में मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ की हूँ एक्चुअली, वो मैं दिखा दूंगी आप लोगों को। बस इसको अब पकाना है 15-1 मिनट तक। पका लिया मैंने तो देखिए इसका कलर कितना अच्छा से आ गया, अच्छा से चेंज हो गया। अब मैं ये भुना हुआ पोटैटो डाल दूंगी इसमें, बस और क्या करना है, पोटैटो को पूरा मिक्स कर लूंगी पूरा मसालों में ये कोड हो जाए। और अब मैं डाल दूंगी इसमें चिकन, जितना चिकन मैं धो के रखी थी ये 1.5 किलो के आसपास चिकन है, तो बस उसको मैं डाल दूंगी। और डालने के बाद में बस इसको अच्छे से मसालों में चिकन को कोट कर लूँगी। कोट करने के बाद इसको लो फ्लेम में इसको ढक के थोड़ा सा 1/2 घंटे तक पका लीजिए। इसमें क्या होता है पूरा पानी जितना मॉइस्चर होता है वो अपने आप ही रिलीज़ होने लगता है, तो चिकन चू ही नहीं होता है, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है चिकन। आप अगर डायरेक्टली आगे ही पानी डाल देंगे तो चिकन थोड़ा चुई हो जाता है। अब अपने हिसाब से आप तरी को एडजस्ट कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी एक्चुअली एडजस्ट कर लीजिए। मैं चावल के साथ सर्व करूँगी तो थोड़ा तरी ज़्यादा रखूँगी। बस इतना ही, इसमें एक बॉयल आ जाए तो इसमें डाल दीजिए चिकन करी मसाला। मैं डाल रही हूँ ये वाला, मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, ये देखिए सनराइज का चिकन करी मसाला, बस उतना ही मैंने डाला है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं घर पे यूज़ करती हूँ तो मैं वही आप लोगों को दिखा दिया। बस अब कुछ नहीं करना है, फ्लेम को लो करके आपको 40 मिनट तक इसको पका लेना है, चिकन सॉफ्ट हो जाए बस आपका चिकन रेडी हो गया। तो चलिए यहाँ पर मैं अब थाली को सर्व कर लेती हूँ। मैंने एक थाली ले लिया है, उसमें मैं सर्व कर रही हूँ चावल और चिकन मेरा रेडी हो गया है बाय द वे, और यहाँ पे आलू का भुजिया और करेले आलू का सब्जी, उसके साथ दाल, और दाल के साथ मैं सर्व करूँगी चिकन करी, देखिए एकदम समर स्पेशल। और इसके साथ आम की लौंची जो मैं बनाई थी और इसका रेसिपी मैं पिछला ब्लॉग में दे चुकी हूँ। तो ये रहा हम लोगों का आज का संडे स्पेशल, गर्मा गर्म समर स्पेशल एक्चुअली लंच थाली। ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आए ये थाली रेसिपी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। समर में एकदम एक्यूरेट बैठता है ये थाली और ये कोई ज़्यादा तामझाम भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो चलिए इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आ गई हूँ ब्लॉग का एंड में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब विच इज टिप्स फॉर न्यू इंडियन मॉम विद परमा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।